कोटड़ा का आज सातवें दिन भी केबिन बाजार पूरी तरह बंद। देखिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, एक भी केबिन खुला नहीं। आज सातवें दिन भी, आज बारिश ने भी आसमान भी रो पड़ा इन केबिन वालों के लिए कि ये सरकार अब तक इन्हें क्यों हक नहीं देती, अब तक इन पर रहम क्यों नहीं कर रही। सात दिन से ये लगातार अनशन पर, आज आसमान भी रो पड़ा इनके लिए। देखिए इधर आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, फिर भी सभी अनशनधारी अपने अनशन पर बैठे हुए। एक भाई के घर पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो यहाँ सर पर सभी ने मिलकर कुछ आलू और प्याज दिलवाए। सात दिन हो गए इनकी अपनी रोजी रोटी बंद है, तो आलू प्याज से ही आज इनके घर घर पर सब्जी बनेगी और अपने बच्चों का भरण पोषण होगा। देखिए आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, फिर भी सन्नाटा पसरा हुआ, फिर भी ये केबिनधारी अपने अनशन पर डटे हुए हैं। बिल्कुल पूरी तरह केबिन बंद है, दो दिन से लाइटें भी नहीं हैं, फिर भी केबिनधारी अपने अनशन पर डटे हुए हैं। जय हिंद जय भारत। मैं बूट पॉलिश करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, मैं बूट पॉलिश करता हूँ, फुटपाथ पर बैठता हूँ, रात का मेघवाल हूँ। मेरे खाने पीने में कोई सामग्री है नहीं, मैं आर्थिक देसी है कि मैं आलू प्याज नहीं खरीद सकता। मैं आगे क्या हालात बताऊँ, इससे मेरी कंडीशन खराब होगा, 6 साल हो गए, मेरा परिवार लेकर कैसे चल रहे हैं, या फिर आप पूरा करो। तो आज ये आपको आलू प्याज किसने दिलवाए? लोगों ने देना है, दो रुपए चंदा करके। अच्छा, दो पाँच रुपए चंदा करके आपको ये आलू और प्याज दिले। आज इसको, आज इसकी आपके घर सब्जी बनेगी, ये कितने दिन चलेंगे आपके? दो दिन खाएंगे, क्या करेंगे सर। ठीक है, और आगे आगे इसी तरह बन रहेगा तो आप क्या करेंगे? फांसी खानी पड़ेगी सर, फांसी खानी पड़ेगी। अरे फांसी मत खाइए, दो दिन और अनशन को तेज कीजिए और सरकार को अपनी बात का लोहा मनवाइए। आपके घर पर वहीं आगे तहसील में धरना देगा, वहीं फांसी खा लूंगा, गले में रस्सी डाल के सब बीबी बच्चे लागे वहाँ बिठा दूंगा, और क्या करते हैं। ये हैं प्रकाश जी मेघवाल, आज इनके घर पर सब्जी ले जाने के भी पैसे नहीं रहे, सभी ने दो पाँच रुपए कर इन्हें ये आलू और प्याज दिलवाए हैं। आप इनसे रूबरू, आप इनसे मुख जुबानी आप सुन चुके हैं। देखिए इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह से अपने दर्द को बयां भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, सिर पर पहाड़ टूट पड़ा है। केबिन बचाने की जिम्मेदारी, रोजी रोटी बचाने की जिम्मेदारी। आज सात दिन हो गए, लेकिन कोई अधिकारी सुद नहीं ले रहा। आखिर करें तो क्या करें, फांसी पे चढ़ जाएं या आत्महत्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा।